दोस्तों टिकटॉक पर अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं और आपके साथ में भी जो है कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप वहां पर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पर जो है आपके सामने कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसा एरर देखने को मिल रहा है जैसे कि मैं आपको बराबर में स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। तो यहां पर जो है मुझे बहुत सारे मैसेज जो है मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे यूट्यूब पर आ रहे हैं जिसमें मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई हम जो है यहां पर अपना अकाउंट बना रहे हैं लेकिन जब हम अपनी एज को सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं तो वहां पर जो है हमारा जो अकाउंट है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा अकाउंट बन क्यों नहीं रहा है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ या फिर हमें ये बताओ ये प्रॉब्लम क्या रही है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आप लोग समझ जाओ कि ये जो प्रॉब्लम आपके साथ में आ रही है वो क्यों आ रही है। तो यहाँ पर जो है आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आराम से लास्ट तक देखना है। वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी बात क्लियर बताऊँगा कि ये आपके साथ में हो क्यों रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि टिकटॉक का एक नया अपडेट आया है जिसके अंदर जो है अब 16 साल से कम वाले मैसेज नहीं कर पाएंगे, अपने फ्रेंड लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। तो टिकटॉक का जो है न्यू रूल है, न्यू अपडेट आया है। अगर आप अपना अकाउंट न्यू बना रहे हैं तो अगर आप वहां पर जो है आपकी उम्र कम है, आपकी एज कम है, आप 16 साल से कम के हो तो यहां पर जो है आपका अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ये जो टिकटॉक है ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे यहां पर जो है अब अपनी वीडियो को नहीं बना सकते, अपना अकाउंट नहीं बना सकते। बच्चे जो हैं आप अपनी फैमिली के साथ में तो अपनी वीडियो को बना सकते हो, अगर उसमें आपकी फैमिली एग्री है, फैमिली आपके साथ है तो आप वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं खुद का अपना पर्सनल एक अकाउंट बना करके यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड करूँ तो अब आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में जो है फेक डेट ऑफ बर्थ डाल करके बढ़ा करके उसको जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आपकी रियल एज होती है आपको उसको भी डालना चाहिए। अगर आपकी जो एज है 16 से कम की है तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पर 16 प्लस होना पड़ेगा पहले, उसके बाद में ही टिकटॉक को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये अपडेट आई क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है छोटे छोटे उम्र के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे और यहाँ पर जो है वो टिकटॉक में लगे रहते थे सुबह से शाम तक, उनकी फैमिली जो है इस बात को लेकर के परेशान थी। तो इसलिए टिकटॉक ने जो है यहाँ पर 16 साल से कम वालों के लिए अब अकाउंट जो है यहाँ पर बंद कर दिया है, उनके मैसेज को डिसेबल कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि टिकटॉक पर वीडियो बनाएं और आपकी फैमिली इस चीज़ को लेकर के एग्री है तो आप अपनी फैमिली के नाम से अकाउंट बना सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल करके अकाउंट बना सकते हैं, उनके साथ में वीडियो बना सकते हो। लेकिन वो तभी कर सकते हो अगर आपकी फैमिली एग्री है। अगर आप फैमिली चोरी करके, फैमिली से चोरी रख करके अपनी वीडियो को बनाते हो, अपने अकाउंट को बनाते हो तो आप बना तो लोगे, उसके बाद में क्या होगा वो अकाउंट आपका टिकटॉक की नज़र में आ जाएगा और आपका जब फेस देखेगा, क्योंकि फेस तो आपका बच्चों वाला है, जब आपकी वो फेस वीडियो देखेगा उसके बाद में क्या होगा वो आपके अकाउंट को बंद कर देगा, डिसेबल हो जाएगा, आपकी जो वीडियो है वो भी डिलीट यहाँ पर हो सकती है। मान लीजिए कि आपने फेक डेट ऑफ बर्थ से अपना अकाउंट बना लिया है और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपकी कोई उसकी वीडियो वायरल हो गई है, आपका अकाउंट वो ग्रो कर गया है, उसके बाद में जब उसको चेक करता है टिकटॉक तो यहाँ पर जो है आपकी जो एज है वो आपके फेस से मैच नहीं होगी और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट होगा वो टिकटॉक यहाँ पर बंद कर देगा और उस वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो जो अकाउंट है आपका वो ग्रो कर चुका था और आपकी जो वीडियो थी वो वायरल थी। तो इसलिए जो है आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी रियल एज से अपना जो है यहाँ पर अकाउंट बनाना है। और अगर आप कम एज के हो तो आपको अपनी फैमिली में पूछना है, अगर आपकी फैमिली मेम्बर सब राजी हैं इस बात को लेकर के, वो भी आपके साथ में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप उनके साथ में वीडियो बना सकते हो। यही इसका जो है यहाँ पर सोल्यूशन है और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, आपको अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनाना है अगर आप कम एज के हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रूल होते हैं वो रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जब आपकी फैमिली आपको मना कर रही है इस बात को तो आपको अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपकी फैमिली एग्री है तो आपको अपनी फैमिली के नाम से अकाउंट बनाना चाहिए और उसके बाद में उस वीडियो के अंदर आपकी फैमिली और आप दोनों मौजूद होने चाहिए, तभी जो है वो अकाउंट चलेगा, वरना वो नहीं चलेगा, आपका अकाउंट जो है यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।